I'm Tavinder Singh and my age is 57 and I'm into construction and manufacturing. और मुझे जनरली ग्लासेस पहनना अच्छा नहीं लगता था रीडिंग के लिए, और मेरा दूर का भी आस्ते आस्ते नंबर ख़राब हो गया, तो इससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो देन आई थॉट के आई शुड गो फॉर द सर्जरी, एंड वो कराने के बाद आई एम फीलिंग मच बेटर. अब मैं ग्लासेस भी अपने सन ग्लासेस ट्राई कर रहा हूँ, एंड इट्स अ बिग थैंक्स टू डॉक्टर राइल फॉर दिस. मे आई लाइक इट नाउ. मुझे एक्चुअली आफ्टर सर्जरी आई एम फीलिंग मच बेटर. नाउ ही अब इनको है कि मैं भी करवा लूँ और मेरे हमारे बच्चे दोनों करवाना चाहते हैं, सो दे विल आल्सो गेट इट डन नाउ. नाउ वी आर मोर कॉन्फिडेंट इन टू इट. जिस दिन जाना था सर्जरी से उस दिन आई गॉट अ स्केयर कि ये जा रहे पता नहीं ये ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, आईज का मामला है, थोड़ा डर लग रहा था. बट वहाँ का सबका सपोर्टिंग सबको स्टाफ को देखकर वी गेन कॉन्फिडेंस देयर, एंड वी सॉ सो मेनी पीपल गेटिंग इट डन. इतने यंग बच्चे आ रहे थे, यही अकेले थे इस एज के, तो मुझे और भी ज़्यादा थोड़ा सा लगा एक बार कि ये अकेले ऐसे करा रहे हैं इस एज में, पता नहीं ठीक है कि नहीं है. बट एवरीथिंग वेंट वेल. एज इज नो मैटर, यू नो, आप हर एज में आपके मन में खुशी होनी चाहिए अगर आप कोई चीज़ कराना चाहते हैं. And you should enjoy your life. And it's good. मैंने कराया तो मैं सबको बोलूँगा कि कराने के लिए सबको कराना चाहिए. And you will feel much better after that. कल अपने फ्रेंड्स को मिले तो वो भी सब हैरान हो रहे थे कि 50 प्लस पे कैसे करा लिया. वो तो यंग लोगों के लिए होता है. तो हमने बोला उनका नया आया टेक ये जो टेक कंटूरा विजन. कंटूरा विजन. So because of that we got it done. मेरी थी about 2.25. फॉर द बोथ हाइज. एंड जर्नी क्या होता है कि जब आप ग्लासेस लगाते हो और आपका दोनों रीडिंग का और दूर का दोनों ख़राब हो, रेगुलर लगाने में आई थिंक इट्स नॉट ईजी. आपको इरीटेशन वगैरह कई बार हो जाती है. प्रोग्रेसिव ग्लासेस पहनी पड़ती है, कभी ऊपर देखेगा कभी नीचे होगा. सो इसलिए आई थिंक फिर मेरे को बहुत ज़्यादा इरीटेशन थी. आई वॉज नॉट लाइकिंग दैट. Oh yeah, I was you know spending a lot of money for the glasses. You wanted to buy branded item, branded glasses also. So it was like wasting money. Now you can go for Blair's. So on the way when I was you know go to my factory, on the way I can see the hospital. Really used to see it. फिर एक building थी, फिर दो building और ना खासे इतना popularity है doctor की. So we. We thought के we should visit that. When I went there, मैंने उनका जो system देखा बड़ा अच्छा था, and cleanliness was very nice. So newly built facilities हैं वहाँ पे, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा और positive environment थी. So I thought के मैं यहाँ पे करा सकता हूँ. मैं वहाँ गया तो मुझे वो टेस्ट के लिए बोला गया था, एंड वहाँ पे मैंने देखा बड़े प्रॉपरली दे आर डूइंग ऑल द टेस्ट. ये नहीं है कि आप वो हर एक की सर्जरी कर देंगे, उससे पहले ये पूरा चेक करते हैं कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, आपका रेटिना ठीक है नहीं है, तब जाके ये करते हैं पूरा श्योर होने के बाद. ये नहीं है कि जो भी चला गया इमीडिएटली दे विल डू इट. आफ्टर सेटिस्फेक्शन तभी वो करते हैं. सर्जरी तो कम टाइम में ही हो जाती है, बट वहाँ पे और भी लोग थे तो वेटिंग थी, तो थोड़ा टाइम लगा. अदरवाइज कोई सर्जरी में कोई एज सच कोई पेन नहीं थी, एंड बड़ी ईजिली हो गई थी, एंड कोई ज़्यादा हमें भी प्रॉब्लम बड़ा इजी था. एंड उसके बाद उनके पूरा सिस्टमेटिक है, आपका जितने जितनी स्टेज निकलती है इनका उसी हिसाब से इन्होंने प्रॉपर वे के साथ वो ट्रीटमेंट रखी हुई है. आपको बताना आफ्टर सर्जरी प्री और पोस्ट जितने भी उनकी चीज़ें हैं वो सारी इन्होंने प्लान की हुई है. वेरी वेल प्लान्ड है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. हाँ, उस दिन करने के बाद आई वॉज सीइंग एंड दे हैव गिवन मी सम डार्क ग्लासेस ताकि इमीडिएटली कोई लाइट का इफेक्ट ना आए, एंड प्लस दे हैव गिवन मी द फुल उनका एक मेडिकल किट होती है बॉक्स, वो मेरे को दे दिया. उसमें सारी मेडिसिन प्री प्लान थी उनकी और कैसे यूज़ करना है वो दिए उन्होंने. एंड वो थोड़ा सा सर्जरी के बाद precautions about one day about you have to take little precaution. You don't have to wash your face and all, you know, or proper medicines dalni eyes mein. Next day I was okay. I was seeing my news. I was on my TV. So I was surprised to see that मेरे को जो चीजें नजर नहीं आ रही थी मैं बैठ के आराम से टीवी में देख रहा हूँ. तो मुझे उस टाइम ही लगा कि ये जो मैंने कराया बड़ा अच्छा हो गया. नेक्स्ट डे की बात है, इन द मॉर्निंग मैंने वो देखा तो आई वॉज सरप्राइज.
कि जो चीज़ें नहीं नजर आती थी वो आ रही है मेरे को। लाइट लाइट हो गया सब कुछ। हाँ एकदम, जैसे मैंने वो ब्लैक गॉगल्स हटाई उसके बाद ऐसे देखा जैसे दिन हो गया, सारा सब ब्राइट था। हाँ नेक्स्ट डे गए थे वहाँ पे, उन्होंने चेकअप किया कि पोस्ट ट्रीटमेंट जो था उन्होंने देखा। एंड आई टोल्ड देम, मतलब मेरे को जो लगा है कि इनका ना प्रॉपर वे है, इनको पता है कि प्री और पोस्ट क्या चीज़ें चेक होनी चाहिए, तो इसलिए दे आर यू नो फुली इक्विप्ड विद एवरीथिंग। तो हमें एज सच आफ्टर सर्जरी को ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि यू नो आप पूछने जा रहे हो, बिकॉज उनका सब प्लान था, वो सब बताते रहते हैं कि अब ये स्टेज में ऐसे करना है, आफ्टर केयर वॉज गुड, प्रोज एंड कॉन वो सारे आपको बताते रहते हैं जब भी स्टेज आती है। नेक्स्ट डे जब मैं सर्जरी के बाद उठा तो मैंने ना पेंटिंग देखी मेरे जो रूम में बेडरूम में लगी हुई थी, तो इतनी क्लैरिटी मुझे नज़र नहीं आ रही थी जैसे आर्टिस्ट ने जो बारीकी काम किया हुआ है उन्हें पत्तों के अंदर, फ्लावर्स के अंदर। तो वो मुझे उसके बाद ही, अब आफ्टर सर्जरी के बाद अब पेंटिंग का मुझे मतलब पता चल रहा है कि कितना आर्टिस्ट उसके अंदर बढ़िया काम करते हैं, और वो समझने के लिए और आंखें तो चाहिए क्लैरिटी देखने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क मुझे लगा।